सत श्री अकाल टून चैनल दे आप जी का स्वागत है। मैं तुहाडा अपना बी एस सोडी। भारतीय किसान यूनियन दुआबा वालों पंजाब दियां मंडियां विच झोने की सरकारी खरीद के पुख्ता प्रबंध ना होने के चलद सोमवार तो शुरू किया गया बेमियादी धरना अज दूसरे दिन भी जारी रहा। अज सतनाम सिंह सानी जी ना गलबात करते दसिया कि उन्होंने अज प्रशासन नाल भी मीटिंग की। आओ पुछदे हां की नतीजा निकलिया। पेश है एक रिपोर्ट। देखो जो असीं कल अंदोलन शुरू किया सी ते पंजाब दे विच और खास करके दुआबे दे विच जिहड़ी झोने की खरीद आ बिलकुल मंडियां च बंद सी। जदों 10-15 दिन सरकार नूं बेनतियां करन दे बावजूद पंजाब दे विचों 20 अक्तूबर तक झोने की खरीद कोई शुरू नहीं हो सकी तां मजबूर हो के 20 दिन वेट करने तो बाद भारतीय किसान यूनियन दुआबा ने आम किसानों नूं नाल लैके जी टी रोड फगवाड़ा के उत्ते जिहड़ा अंदोलन शुरू किया उहदा अज दूजा दिन हो गया। असीं इह अंदोलन उन्ना चिर जारी रखांगे जिन्ना चिर सरकार झोने की खरीद की कोई पॉलिसी डिकलेयर नहीं करती और केंद्र सरकार ने जानबूझ के पंजाब के किसान नूं ऐतकी मंडियां च रोलिया पुराने सालों का जिहड़ा चौल है वह गडाउन नको नक भरे है। शैलर मालकां दी इह इतराज है कि किसी गडाउनां च कोई स्पेस है नहीं असीं जिहड़ा चौल नवां कढ़ांगे उन्हों लगावे कितने नहीं तो शैलर मालक भी आर्थिक संकट का शिकार होंगे। सरकार की पॉलिसी बड़ी गड़बड़ है और पंजाब सरकार ने ये बनता रोल जो निभाया हों तो इन्ने चिंताजनक हालात ना किसानों के बनते ना आम शहरिया के व्यापारियों के बनते तो ना ही यात्रुओं को तंगी का सामना करना पैंदा। देखो मानयोग डिप्टी कमिश्नर कपूरथला और मानयोग एस एस पी मैडम कपूरथला आए थे उन्होंने मंडी की विजिट भी की है धरने वाली जगह पर भी आए और बाद एस डी एम दफ्तर फगवाड़ा के मीटिंग भी हुई है। उन्होंने सानू भरोसा दवाया कि अपना जिहड़ा जिला कपूरथला है वो असं पुरजोर जो जतन कर रहे हैं खरीद भी शुरू करावे लिफ्टिंग भी करावे पर साड़ी जिहड़ी मंग सी कि सारिया मंडिया के जिहड़ी झोने की खरीद के प्रबंध मुकम्मल किए जाण सरकार वो तेजी लैके आए जिहड़ा खरीदिया झोना मंडिया के पिया उन्हूं चुकण दे सरकार लिफ्टिंग के प्रबंध करे। देखते हैं प्रशासन ने कल कोई जतन किया जिला कपूरथला डीसी साहब के हुक्मों से वो कल दे लगभग जिहड़ियां ट्रालियां किसानों के घरां च खड़ियां सी वो मंडी च जरूर कल पहले दिन खाली हुई और नवा झोना किसान जिहड़ा वो कट्टण लई थोड़ा बहुत उन्हूं राहत मिली है लेकिन वड्डी समस्या झोने की खरीद 15 दिन लेट हो चुकी है उहदे नाल किसानों का आर्थिक नुकसान भी हो गया और किसान लेट भी हो गया। अगली फसल की जिहड़ी बिजाई करनी सी किसी ने मटर लाउणा सी आलू बीजना सी जां कमाद बीजना सी उन्हां किसानां नूं वो फसल बीजने च वड्डी देरी होई है। हाँ जी नहीं देखो मैं थोड़ी गल नाल सहमत हां असीं नहीं चाहुंदे कि साढ़े अंदोलन करके शहर के व्यापारी भाईचारे का दुकानदार वीर का जां किसी होर उद्योगिक सैक्टर का कोई नुकसान होवे। साड़ी मजबूरी सी झोने की खरीद 1 अक्तूबर नूं शुरू होनी सी पहला नरात्रा का त्यौहार चलता सी बहुत सारे यात्रू जिहड़े अपने श्रद्धालु है वह माता चिंतपुर्णी वैष्णो देवी जां ज्वाला जी जांदे सी असीं नरात्रां दे त्यौहार च कोई अंदोलन करना ठीक नहीं मन्निया दशहरे का त्यौहार लंघिया गुरपुरब आया लेकिन जदों झोने की फसल खेतों च डिगनी शुरू हो गई खराब होनी शुरू हो गई फिर असीं भारतीय किसान यूनियन दुआबा ने यह फैसला किया कि 20 दिन बीत गया जे हुण चुप रहांगे तो किसानों का आर पार पैदा नुकसान हो जाएगा किसानी तबाह हो जाएगी। कल्ली किसानी नहीं तबाह होएगी 20 दिन मंडी का जिहड़ा मजदूर है वह लगभग 20-25 दिन पिछले 20-25 दिन तो मंडिया च बैठे हजारों मजदूर कल्ली फगवाड़ा मंडी च वह बेचारे कोई रुजगार नहीं मिलया बहुते मजदूर घर चल गए बहुत आड़त के मजदूर जोड़े वो मजबूर हो गए 1-2 दिन पहला वापस अपने राज्यों में मुड़ गए वो मजदूरों का बड़ा नुकसान होया ट्रांसपोर्ट वीर का बड़ा नुकसान होया। जे झोने के नाल किसानों को पैसे नहीं होणगे जिहड़ा मार्केट के दुकानदार बैठा व्यापारी बैठा सारिया का बाजार प्रभावित होगा उन्हां दुकानदारों का नुकसान ना होवे कोई आर्थिक नुकसान का ना सामना करना पवे कोई दिवाली का त्यौहार आ सीजन आ करवा चौथ आ इस करके असी सारी जथेबंदी ने आपसी विचार करके जिहड़े सर्विस रोड आ वो खोले आ तुहाडे सामने तुसीं दिखा दिओ कि ट्रैफिक दोनों साइडां दी चल रही है साडा अंदोलन भी चल रहा तो लोगों के काम कार भी चल रहे हैं तो लोगों नूं साडी अपील है खास करके जिहड़े फगवाड़ा इलाके दे जां होर दुआबे दे इलाके दे ते फगवाड़ा वड्डा शहर है दुआबे का उन्हां नूं साडी अपील आ साडे अंदोलन तो डरन की लोड़ नहीं वह बाजारां चों किसी ने कपड़ा खरीदना होर खरीदना दिवाली के त्यौहार के उत्ते वह अपनी खरीदारी कर सकते बाजारां दे विच किधरे साडे असी बंद नहीं करीदा बाजार खुले ने बाजार का जिहड़ा व्यापार दुकानदार वर्ग आ वह साडे अंदोलन की हिमायत कर रहा और असी उन्हां नूं कोई दिक्कत देनी नहीं चाहते वो साडा वो समाज का हिस्सा नहीं साडे वीर है
ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਹੱਬ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ CMC DMC ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ।